नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। आज हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां जमील अहमद श्रवण कुमार बन चुके हैं। उन्होंने शुद्धिकरण कराकर जनेऊ धारण किया है। क्या है इसकी वजह, आइए आपको बताते हैं। दरअसल फतेहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर एक बुजुर्ग ने हिंदू धर्म अपनाया है। मुस्लिम धर्म छोड़ने वाले जमील अहमद ने हिंदू रीति रिवाज से हिंदू धर्म ग्रहण करते हुए श्रवण कुमार के रूप में अपना नया जीवन प्रारंभ करने का फैसला किया है। शहर के पटेल नगर इलाके में हनुमान मंदिर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की अगुवाई में उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस्लाम धर्म को छोड़कर अपने पूर्वजों के धर्म सनातन धर्म आया। क्या नाम वापसी की है? मेरा पूरा नाम अतुल मेहता, आज से मैं श्रवण कुमार। मोदी जी से तो मैं, योगी जी से तो मैं प्रभावित हुई हूँ और मोदी जी तक का मैं भक्त हूँ, मोदी भक्त हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री मेरे भाग्य से मेरे राष्ट्र को मिले हैं और मैं उनकी दीर्घायु के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ और उनके हर कार्यक्रम को मैं बड़े चाव से, बड़े उत्साह और उनको नमन करते हुए देखता हूँ। और योगी जी का मैं ऐसा सम्मान करता हूँ जो मेरा दिल जानता है। उनके हिंदू धर्म धारण करने के लिए बाकायदा हिंदू महासभा की ओर से एक शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें हिंदू रीति रिवाज से जनेऊ धारण कराया गया, मंत्रोच्चारण हुए। वहीं जमील अहमद ने बताया कि वो हिंदू धर्म से काफ़ी पहले से प्रभावित थे, उन्होंने नवरात्र में उपवास भी रखते थे। वहीं मुस्लिम धर्म को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। मैं क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं सर्विस करता था रेलवे में और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं अक्सर सारे धर्मों की मैं स्टडी किया करता हूँ। जब मैंने देखा सारे धर्मों के निचोड़ निकाल करके मैंने देखा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको लेकर के चलता है, शांति का, अहिंसा का पुजारी इसमें बना जा सकता है। क्योंकि मैं बहुत शांत प्रिय हूँ और मैं कभी भी हिंसा नहीं चाहता। और मैंने देखा इस्लाम धर्म में खासतौर से मेरे जो आसपास के किसी का हक छीन लेना, किसी की हिंसा कर देना, अपने मतलब के लिए भाई को मार देना और शुरू से लेकर के अंत तक उनको बहादुर इसीलिए बनाया जाता है, इस सबसे मेरा मन जो है खिन्न हुआ। वहीं जमील ने बताया कि धर्म परिवर्तन करने के बाद से कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनके लिए और उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, जिसके लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें बताया कि जमील ने हिंदू धर्म अपनाया है, हम अपने भाई श्रवण कुमार जो जमील से अब श्रवण कुमार बन चुके हैं उनकी जान पर खेल कर भी रक्षा करेंगे। मैं सोमवार के दिन अपने कार्यालय में बैठा हुआ था तो ये मेरे पास आए और अपना परिचय दिया। मैं इनको पूर्व भी जानता था क्योंकि यहाँ ये रेलवे में कर्मचारी थे, तो इन्होंने मुझसे बताया कि ऐसे ऐसी बात है, मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है। तो मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने अपने अज्ञात सूत्रों से तमाम सब जानकारियाँ किया इनके बारे में और फिर ये मेरे पास शाम को आए और मुझसे ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि मैं बहुत आशा से आया हूँ कि आप जो है मुझको सनातन धर्म में स्वीकार कराइए। फिर और हमने कहा अच्छा ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो फिर सबसे पहले इनका हलफनामा वगैरह तैयार हुआ, जो विधिक कार्यवाही है वो तैयार करवा करके और आज इनका नामकरण हुआ। क्या नाम हुआ है? इनका नाम श्रवण कुमार रखा गया। पहले क्या था? पहले इनका नाम जमील अहमद था और अब इनका नाम श्रवण कुमार रखा इनका गया। कहना है कि इन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया, कुछ अराजक तत्व लगातार इनके और इनके परिवार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, उनको कैसे सुरक्षा प्रदान करें? इन्हीं के ऊपर दबाव नहीं, मेरे ऊपर बड़ा दबाव है 2 दिन से 3 दिन से और कि आप ऐसा न करवाइए, नहीं तो ऐसा हम कर देंगे, आप ऐसा करवाएंगे। तो लेकिन हम लोग किसी के दबाव को मानने वाले नहीं हैं। इनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? इनकी सुरक्षा हम अपने प्राण देकर करेंगे।